अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तून बॉय। सो गाइस, आज इस व्लॉग में हम जर्नी करने वाले हैं दिल्ली टू जोधपुर, और हमारी जो ट्रेन है वो है राजस्थान संपर्क क्रांति, जो कि चलेगी दिल्ली सरोई रोहिला से लेकर जोधपुर के बीच में। आज तो मैं भी आ चुका हूँ स्टेशन पर, और सबसे ज़रूरी बात जो मुझसे बार बार पूछी जाती है कि स्टेशन पर हमें क्या क्या कैरी करना होता है। तो फिलहाल मैं स्टेशन पर आने पर ना ही मेरा कोई स्क्रीनिंग हुआ है और ना ही कोई और चीज़, जस्ट सामान की सिक्योरिटी चेक हुई है एंड आई एम अलाउड एंटर द स्टेशन। तो ये हमारी संपर्क क्रांति और ये दिल्ली सराय रोहिला टू जोधपुर एक्सप्रेस। तो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 8 और हमारी इस ट्रेन का यहाँ से जो डिपार्चर टाइम है वो रात के 10:25 है। जैसे जैसे हमारी वीडियो और ब्लॉग आगे प्रोसीड करेगा, मैं आपको इस ट्रेन के डिस्टेंस, ड्यूरेशन और स्पीड के बारे में और साथ ही साथ कॉस्ट के बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तो राजस्थान संपर्क क्रांति के जो रेक है वो शेयर किए जाते हैं, जिसका एक हिस्सा जाता है जोधपुर की तरफ और दूसरा हिस्सा जाता है बीकानेर की तरफ। और ये प्रोसेस होती है मेतला रोड स्टेशन पर, जहाँ पर इस ट्रेन का यहाँ से 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, और ये वाला हिस्सा जाएगा जोधपुर और ये बाकी का जो पीछे वाला हिस्सा है ये जाएगा बीकानेर, क्योंकि हमें जाना है जोधपुर। तो हम सफ़र करेंगे जोधपुर वाले हिस्से में, और आज हमारा जो सफ़र होने वाला है वो सेकंड एसी में होने वाला है। मेरा कोच है A1 और मेरा जो सीट है वो साइड अपर है। अगर कोई मुझसे पूछे कि वक्त सबसे स्लो कब चलता है, मैं कहूँगा जब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा हो। ये रहा हमारा कोच A1। अब ट्रेन के अंदर जाने में पता चला कि एक कांड और हो चुका है कि अंदर जो मुझे ट्रेन के अंदर यानी टिकट के अंदर जो सीट अलॉटेड थी वो थी साइड अपर, लेकिन जब मैं अंदर जाके देखा तो मेरा जो सीट नंबर है 46 वो है अपर बर्थ। तो ऐसा होता रहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले ट्रेन पकड़ लीजिए और उसके बाद जब TC साहब आए तब उनसे डिस्कस करके उसको क्लेरिफाई करवा लीजिएगा। कई बार डब्बे ऊपर नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, इस वजह से ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये है गाइस WDP 4D, बिल्कुल नया नवेला, जो कि आज हमारी इस ट्रेन को होल्ड करने वाला है। अपने निर्धारित समय 22:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 जाएगी।
सो गाइस दिस इज़ आर फर्स्ट हॉल्ट, दैट इज़ दिल्ली कैंट, जिसका स्टेशन कोड है DEC और ये हमारे ओरिजिन स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे इस ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और हम ऑलरेडी 2 मिनट लेट चल रहे हैं। तो गाइस अब अपना अगला जो स्टॉप है वो है अलवर जंक्शन, जो कि आएगा रात को 12 बजे। तो तब तक के लिए थोड़ा आराम किया जाए। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:26 और हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल में जो मैंने बताया था पीछे से अलग हो रही है। तो वो जो पीछे वाला हिस्सा है वो जाएगा बीकानेर और हम जाएंगे जोधपुर। नाइट काफ़ी बढ़िया रही, रात अच्छी कटी, नींद अच्छी आई और आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल में इतनी ठंड है यहाँ पर कि मैं सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बट यार शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ICF कोचेज है और आपको पता है वो उसमें आवाज़ कितना आता है ठका ठका ठकड़ करके, तो इस वजह से थोड़ा स्ट्रगल हुआ। लेकिन उसके बाद जो नींद आई अब सीधा मैं यहाँ पे आकर उठाऊँ। अब हम पहुँचेंगे 9 बजे जोधपुर, इन बिटवीन कोई भी स्टेशन नहीं है और मेत्रा रोड पर यहाँ पर हम लोगों का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो हमारी जर्नी का रूट कुछ ऐसा रहा है कि हम दिल्ली से निकले, फिर अलवर पहुंचे, अलवर के बाद जयपुर आया और जयपुर के बाद लाइन चेंज की हमने, कट मारा और अब जोधपुर की तरफ जा रहे हैं। हमारी अभी तक की जो जर्नी थी वो रात के अंधेरे में थी, लेकिन होप सो आगे जाने के बाद यानी 9 बजे तक उजाला होगा, फिर मैं आपको बाहर के व्यूज़ वगैरह और जो सिनेमेटिक शॉट्स है वो सारे बताऊँगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैं जोधपुर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले राजस्थान में सिर्फ मैं अजमेर और जयपुर गया हूँ अभी तक। वी रीस्टेड आर डेस्टिनेशन जोधपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JU। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस ट्रेन को जोधपुर जंक्शन से पहले ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के लिए रोक दिया गया था जस्ट बिकॉज ये अपने स्केड्यूल टाइम से ज़्यादा जल्दी स्टेशन पर ना पहुंच जाए। Thank you.
ऑल गाइज फ्रॉम दिस ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से ट्रेन जर्नी और फूड ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। फूड ब्लॉग्स की जो सीरीज है उसका नाम है डिलीशियस डे, जो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फूड ब्लॉग्स मिल जाएंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो जो आईडी है मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपने जर्नी और ब्लॉग्स के रिलेटेड जो भी अपडेटेड अपडेट करता रहता हूँ। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज फैशल खान साइनिंग ऑफ फॉर माई यूट्यूब चैनल फुकटून बॉय।